अच्छा तो फिर फैजान भाई कब रोए थे और वो तीसरे वाले कब रोए थे? बड़े भाई आ, तो बड़े वाले भाई तो शुरू 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 में में रो रहे अलग थे। अलग आंखें हाँ लाल इधर जा रहे हैं, फिर रो रहे हैं उधर हाँ जा रहे हैं, ये वाला सीन था। हाँ ईमान का मुझे मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, मैं निकली थी बाहर ब्राइडल रूम हाँ से हॉल में जाने के लिए, सो वो रोना शुरू हो गए थे। और जब ईमान ने सरप्राइज़ दिया था मुझे मेरी शादी में, पहले बोला था मैं नहीं आ रहा, और फैजान भी उससे मिले हुए थे, मैं नहीं आ रहा मैं नहीं आ रहा। मैंने कहा सही, मेरी शादी एक ही बहन हूँ तुम्हारी, मत आओ। सो ये वाली बात थी। तो फैजान, मैंने कहा उसको थोड़ा सा रिलैक्स करो, वो बहुत टेंशन में बेचारा, वो नहीं आ पा रहा शादी में। सब मिले हुए थे आपस में। ठीक है। एक दिन रैंडमली घर की लाइट जाती है और घर की लाइट वापस आती है, आप चेक करें ना ड्रामेटिक हाँ स्टाइल, हाँ नीचे जाके लाइट सब बंद किए, ड्रामा घर सब में ही हो ड्रामा रहा है। है। नीचे हाँ जाके लाइट बंद की, ईमान और मेरी भाभी जो मेरे जहाँ, उनको इंटर करवाया, फिर वापस लाइट खोली। तो जब लाइट खोली तो दोनों सामने खड़े हैं। तो वो मोमेंट ऐसा था, उधर हम आई गले लग के नो ऐसा रोए हैं सारे, रोना ऐसा रोए हैं उफ। अल्लाह। और फैजान भाई, जब मैं स्टेज पे पहुंच गई हूँ, एंट्री मेरी हुई है, स्टेज पे पहुंच के मैंने मुड़ के देखा, एक आदमी आंस उनकी तस्वीर भी रही हूँ, आंसू साफ करते हुए और रोते हुए, एक पूरी पिक्चर है। आई विश वो मैं शेयर सो कर पाऊँ, मेरे पास क्यूट, अगर निकली प्लीज है। सेंड इट इफ फैजान बिल्कुल इज ओके फॉर अस टू शेयर इट। हाँ, वो उनको हाँ मसला नहीं बस फिर आप होगा। भेजिएगा। सो वो जो, और रुखसती पे, ऑब्वियसली रुखसती पे तो सब बहुत रोए थे। तो वो वाला डायलॉग दिया था भाइयों ने, अगर हमारी बहन के साथ कुछ किया तो हम तुम्हारी टांगे तोड़ वो देंगे। तो मुसलसल रेहान को तो नहीं आज ही मिल रहा होता है वो डायलॉग। ईमान वहां से बोल रहा होता है, मैं बता रहा हूँ दंग मत करना इसको, मैं बता रहा हूँ अच्छा नहीं होगा, तीन भाई हैं सोच लो। सो धमकिया और आप कह रही होंगी तो रहने दो, बड़ी मुश्किल से मिला, एक भाग जाएगा, मत अम्मा दो ये सपोर्ट कर धमकियां, रहा अम्मा सपोर्ट कर रहा है, चुप है। चुप रहो रहो। चुप सो रहो। ओके माशाल्लाह इन सब का रिलेशनशिप भी, रेहान और मेरे तीनों भाई सब का रिलेशनशिप बहुत अच्छा, और ये सब क्रिकेट पे कनेक्ट करते हैं। शुक्र है मैंने ऐसे इंसान से शादी की जिसको क्रिकेट का इनसे भी ज़्यादा शौक है। सो क्रिकेट पे इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। हमेशा से मैंने क्रिकेट 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 देखा है ज़िंदगी में, और हमेशा इस लेवल की क्रिकेट देखी है अपने भाइयों में कि मैं तंग आ जाती हूँ कि आपको कितनी क्रिकेट खेलनी है यार। सो रेहान का भी पैशन क्रिकेट के लिए इतना ही है। सो वो कनेक्शन जो उनका क्रिकेट पर बनता है ना, आई एम वेरी थैंकफुल टू क्रिकेट कि मेरे भाई और मेरे हस्बैंड में बड़ी अच्छी दोस्तियाँ हैं इस वजह से। ठीक है। तो पहला तो टेलीफिल्म से आपने स्टार्ट हुआ, सोप में आपको सोप था, छू, जी 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 सोप था एक जो सेजा साहब ने आपको दिया जी 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 और वो अब स्टार्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट ड्रामा कैसा आया उसके बाद? यू थॉट कि उसके अच्छा नाउ आई वांट टू, बाद मतलब स्ट्रगल थी आपको, बार बार जाना पड़ रहा था लोगों के पास या अम्मी की वजह से? बहुत से उसके लोग कहते बाद भी मैंने होंगे एक, ये बहुत सुनने को लोग ये मिला है कहते कि हैं, आपकी और तो अम्मी। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बता दूं कि अम्मी इज़ वन पर्सन जो कहती हैं कि ना ही मैं फैजान के लिए कहीं कुछ बोलूंगी, ना ही मैं तुम्हारे लिए कुछ बोलूंगी। तो ये बात दोनों याद रखना कि लेकिन अपनी मर्जी अगर से, मैं ऑनेस्टली आपसे बात करूँ तो ये वो कह तो नहीं, लेकिन जस्ट बिकॉज जब आप जाती होंगी होंगी कहीं और लोगों को पता चलता होगा कि आप किनकी बेटी हो, तो एक ऑटोमेटिकली प्लस पॉइंट नहीं आ जाता जरा सा? प्लस डू यू थिंक पॉइंट सो? नहीं नहीं। नहीं ओके okay. प्रेफरेंस जो कहते हैं, जो लोगों के ऊपर इंप्रेशन है कि प्रेफरेंस इनको मिलता होगा। अभी मैं कल परसों ही कहीं कमेंट पढ़ रही थी, तो मेरी पिक्चर के नीचे लिखा हुआ था पर्ची, और दो तीन लोगों ने लिखा हुआ था पर्ची पे आइए, पर्ची पे आइए, पर्ची पे आइए। तो मुझे यही था कि यार कहना और लिख देना बहुत आसान होता है, आपको पता नहीं होता। अगर पर्ची लगनी ही होती तो किसी बड़े चैनल पे लीड कैरेक्टर के लिए भी लग सकती थी। ट्रू तो आप मेरी जर्नी देख लें, मैंने सारे हमेशा सपोर्टिंग कैरेक्टर्स किए हैं। सो अगर पर्ची लगानी होती तो मैं लीड कैरेक्टर के लिए क्यों इट्स अ ना स्लो लगाती। प्रोसेस दैट वी इट्स आर अ सेइंग। स्लो प्रोसेस, और आप उस प्रोसेस में जितना सीखने हैं आप पर्ची बन के वो नहीं सीख सकते। सो दिस इज़ द रीज़न वाई अम्मी ने हमेशा यही बात सिखाई भी है और की भी है कि अपना प्रोसेस, अपनी जर्नी खुद बनानी है। इस इंडस्ट्री में आप लोग अपनी मर्ज़ी से आए हैं, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में बरस हूँ, तो ये मत समझिएगा कि मैं आप लोगों की किसी भी किस्म की पर्ची लगाऊंगी या मैं कहीं सिफारिश करूंगी। सो आपने अपनी जर्नी और अपनी स्ट्रगल खुद बनानी है, और हम वही कर रहे हैं। आप फैजान भाई की जर्नी भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी जर्नी में अगर पर्चियाँ लगनी होती तो वो कहीं और लीड पर आ रहे होते, हीरो बने हुए होते, मैं कहीं और लीड पर हीरोइन बनी हुई होती। सो ये मैं क्लैरिफाई कर दूँ। तो क्या स्ट्रगल क्या रहा है आपका, चैलेंज क्या था जब आप रोल्स ढूंढ रही थी उस सोप के बाद? आसानी से मिल गया दूसरा रोल या थोड़ा टाइम मुझे लगा? आसानी से मिल फ्रस्ट्रेशंस गया थी था। आपने जो फेस की? बीच में थोड़ा सा डिप आया था, ठीक है वो पूरी इंडस्ट्री का डिप था, ओके और वो इस तरह से था कि काम बहुत स्लो हो गया था। लेकिन उसमें भी मैं दो प्रोजेक्ट्स कर रही थी, भड़ास और घमंडी साइमल्टेनियसली मैं ठीक कर रही है थी। तो वो टाइम था जब बिल्कुल कोविड की वजह से डिप आ गया था ठीक बहुत है। बड़ा। हाँ सो मुझे, मैंने मेरा आंगन किया आई ड्रीम के साथ, उसके फ़ौरन बाद मुझे गोल्ड ब्रिज मीडिया से एक ऑफ़र हुआ जो बी गुल ने लिखा था, जन्नत के नाम से, वो ए प्लस पे चला था और वो रमज़ान स्पेशल प्ले था। फिर ओके बी गुल ने, उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस आई थिंक जन्नत में देखी, तो उनका एक और ड्रामा चल रहा था बोल के ऊपर, ओके शुरू होना था उस वक्त, बोल नया नया स्टार्ट हुआ था दिलारा के नाम से। सो बी गुल ने कहा कि मुझे ये बच्ची चाहिए इस कैरेक्टर के लिए, उस कैरेक्टर का नाम था छोटी। सो मैंने वो किया, वो बीगुल थी, और बीगुल के साथ खालिद अहमद साहब डायरेक्टर थे और समीना अहमद जी थी उसमें, और किंजा रज़ाक उससे इंट्रोड्यूस हुई थी। सो वो किया, उसके फ़ौरन बाद यू नो बैक टू बैक चेन बनती चली गई लोगों के थ्रू। जैसे जन्नत में उन्होंने मुझे देखा, जन्नत भी उन्होंने लिखा था, तो उन्होंने मुझे रेफ़र किया इधर। सो इस तरह होता चला गया, होता चला गया, एंड
टुडे हियर आई एम. आपकी एक्सपेक्टेशन थी राबिया कि मुझे बहुत जल्दी लीड रोल मिल जाएगा या पैरेलल लीड मिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल थी. और मुझे यही हुआ कि क्योंकि हमेशा से इस इंडस्ट्री में सेट्स पे मैं बड़ी हुई हूँ, मैंने इन सब लोगों को अपने सामने देखा है और बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ बहुत बचपन से और बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं बचपन से. सो यू नो जब एंटर कर रही थी तो दिमाग में एक था कि यार मेरे लिए क्या मसला है, या मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो बड़ी यहाँ पे हुई हूँ. लेकिन ये इस बात को रियलाइज़ नहीं किया कि चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं, चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं. सो इतना आसान नहीं है राबिया कुलसुम जितना आप समझ रही हैं. सो आप अपनी स्ट्रगल जारी रखें. तो डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए, आई बी वेरी ऑनेस्ट. और मुझे ये था कि यार अच्छा सपोर्टिंग रोल ओके, छोटी बहन आई यू श्योर, मतलब आई यू श्योर छोटी बहन. सो जो है फिर उसको आई टुक इट एज अ चैलेंज कि चलो ठीक है, अगर छोटी बहन में एक्सेप्ट हो रही हूँ तो एक टाइम ऐसा आएगा. फिर मैंने दूसरी फेलो एक्ट्रेसेस की जर्नी जो है वो फॉलो करना शुरू की कि अच्छा इन्होंने भी छोटी बहन से शुरू किया था, इन्होंने भी सपोर्टिंग से शुरू किया था. पर टाइम लगता है आपको ग्रेजुअली बिल्कुल कहीं पहुँचने में. और उस वो प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उसमें आप बहुत कुछ सीखते हैं. सो आज अगर मैं 4 साल बाद एज एन एक्टर यहाँ पर बैठी हूँ तो मैंने अपने 4 साल में जो मेरा पहला दिन था सेट पे उससे मैंने बहुत ज़्यादा इवॉल्व किया, मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं, बहुत गलतियाँ भी की हैं जो मैं आगे नहीं करूँगी. सो यू नो ये बहुत ज़रूरी था और अब मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा हुआ. मुझे शुरू में ही अगर कोई लीड कैरेक्टर मिल जाता मैं हैंडल नहीं कर पाती. सो या आई टुक इट एज अ चैलेंज एंड आई एम थैंकफुल फॉर इट कि वो नहीं हुआ और अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो रही. अब क्या चैलेंज है आपका राबिया इस स्टेज पे? इस स्टेज पे कि बस इंशाल्लाह ग्रो करना है और आगे जाना है. ओके ये चैलेंज तो नहीं, ये मोटिवेशन कह सकती हूँ और ये अपना गोल कह सकती हूँ कि यहाँ तक आ गई हूँ और यहाँ तक अल्लाह मियाँ ले आया है तो आगे भी इंशाल्लाह जाऊँगी. बट कितना फ्रस्ट्रेट करता है जब आपकी आप कॉन्स्टेंटली ये बात सुनती हैं इंडस्ट्री में भी लोग कहते हैं या सिर्फ ऑडियंसेस लोगों से आपको सुनने को मिलती है? तो कोई नहीं है ये कहता, तो कोई नहीं है और मुँह पे तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं कहता. जितने भी हमारे कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो भी कीबोर्ड की हद तक ही हैं. सो अभी होता है कि मतलब मैं हर एक को तो जाके DM नहीं कर सकती कि भाई नहीं नहीं उनको तो कहने की जरूरत भी नहीं है. सो लोग अगर इंडस्ट्री में भी अगर कोई सोचता होगा तो सोचता होगा, कहना चाहिए नहीं क्योंकि वही वाली बात है कि अगर पर्ची हूँ या मेरे साथ कोई सपोर्ट हो इस किस्म की तो मैं कहीं और नजर आऊँ फिर. सो मेरी जर्नी आप सबके सामने है. You are married, mashallah से. हाँ जी. तो एक बेटा भी आपका. जी जी. I was so surprised that she looks so young and she has a son, you know. And I love this reaction. So क्या नाम है उसका? उनका नाम है मुहिब रेहान. और कितने बड़े? 14 months के. और ये तो बड़ी क्यूट स्टेज है. बहुत क्यूट स्टेज है. अभी 3-4 दिन पहले कम्प्लीटली तेज से चलना शुरू कर दिया और हमने उनका नाम रख दिया कचरा फाइंडर क्योंकि वो कोनों में घुस घुस के कचरे ढूंढ ढूंढ के खा रहे होते हैं और मैं पीछे भाग रही. अब उसको पता चल गया कि अच्छा ये अगर भाग रही है मेरे पीछे तो मुझे देना नहीं है. सो जैसे ही वो कुछ उठाएगा वो पहले देखेगा कि देख रही है या नहीं, और अगर मैं नहीं देख रही तो मुंह में चला जाएगा, फिर देखेगा देख रही है नहीं, मैं कहूँ मुंह में क्या डाला है तो वो भागेगा. सो बहुत मजे की है माशाल्लाह, बहुत एंजॉय कर. कुछ बोलना स्टार्ट किया एक दो वर्ड्स? अभी टैट और बाबा बाबा बा और मामा मामा मामा. नहीं ये चल. तो शादी कैसे हुई? अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, क्या? मैं इसको ना ही अरेंज कहूँगी ना ही लव कहूँगी क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं रेहान वो मेरे जो तीसरे भाई हैं जो अब UK में होते हैं उनके बहुत अच्छे दोस्त थे. फैजान भाई के भी अब बहुत अच्छे दोस्त हैं. सो क्रिकेट के ये लोग दोस्त थे. ईमान की शादी हुई तो वो आए और हमने डांस प्रैक्टिसेस वगैरह साथ की तो हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई. उसके बाद ईमान की शादी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे टाइप्स. वाह वाह अच्छा सुनाइए. मैं तो बड़ी इंटरेस्टेड हो गई भाई. सो बेसिकली रेहान आए, रेहान की सबसे घर में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई तो उन्होंने कहा कि ये लड़की तो छोड़ो मैं पहले अम्मा को पटाऊंगा. अच्छा. तो अम्मी से जितनी अच्छी दोस्ती हो गई ना रेहान की एक हफ्ते के अंदर. सो आई वाज लाइक यार गुड सीन, मतलब अच्छा जा रहा है लड़का. सो ही नोस कि किधर 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 पहले किधर अटैक करना. तो क्या करते जरा सुनाई ना, क्या क्यूट कैसे पटाया अम्मी से? गपशपें वहाँ पे की काम तो इतना नहीं लेकिन ये कि पहले आ जाते थे. अगर प्रैक्टिस का टाइम 8 बजे रखा है तो एक इंसान 7 बजे मौजूद है और वो सिर्फ अम्मी के साथ घूम रहा है और अम्मी के साथ बातें कर रहा है और उनके साथ मजे कर रहा है. आज भी अम्मी और रेहान की दोस्ती बहुत अच्छी है. लेकिन उस वक्त आपको अंदाजा बातचीत हो चुकी थी? हमारी बातचीत हो चुकी थी लेकिन हमारी वो वाली बातचीत नहीं हुई थी कि चलो लेट्स गेट मैरिड. बट लाइकनेस, हमारी लाइकनेस वाला जो एक फेज था. भाई की शादी हुई January में और हमारी बात पक्की हो गई March में. सो वो सिर्फ 1.5 महीना था जिसमें उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया कि जी अब हमने शादी करनी है. तो मैंने भी कहा भाई शादी करनी है यार, मतलब ये सारी
दूसरी चीज़ें नहीं करनी है. सो उन्होंने कहा ठीक है सही है कोई मसला नहीं, मैं अपनी फैमिली को ले आता हूँ एंड ऑल, और वो अपनी फैमिली को ले आए और हमारी बात पक्की हो गई. सो इस तरह से बहुत शॉर्ट टाइम हमें मिला, लेकिन ये कि बहुत अच्छा वक्त, बहुत मज़ेदार वक्त, डांस करते करते ही हमने वो टाइम गुजार दिया.